अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस आज हम लोग आए हुए हैं तलवापार। हर साल की तरह इस साल भी हजरत मौलाना हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का 248वां मुबारक के मौके पर आज हम लोग तलवापार आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे बैक साइड तलवापार का मेन गेट है। तो गाइस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको अंदर का पूरा नज़ारा पूरी वीडियो दिखाऊँगा। तो गाइस चलते हैं अंदर और अंदर का वीडियो देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये तलवापार के रास्ता जाने का रास्ता है। ये सीधा रास्ता मजार की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी सुबह के 9 बजे हैं और सभी दुकानें अभी लग रही है। आप देख सकते हैं ये सीधा रास्ता तलवापार की तरफ जाएगा। ये हलवा पराठा की दुकान लगी हुई है गाइस, आप देख सकते हैं। ये हर मेले में आपको दुकान देखने को मिल जाएगी। इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये ठीक सामने मजार का गेट है। आप देख सकते हैं ये सीधा मजार की तरफ अंदर रास्ता गया हुआ है। अभी सब दुकानें लग रही हैं सिन्नी फातिया की, आप देख सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हजरत मौलाना हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। आप देख सकते हैं अभी अंदर चलेंगे, अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये बाहर का गेट है, आप देख सकते हैं सभी दुकानें लग रही है। अभी सुबह के 8 बजे हैं। ये शाम को जो है पूरा रास्ता एकदम भर जाता है। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मेन गेट है बाजार का। आप देख सकते हैं अभी हम लोग सिन्नी खरीद चुके हैं और अंदर चलते हैं और नियाज फादियाँ कराते हैं। आप चलते हैं, देख सकते हैं हम लोग हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के अंदर आ चुके हैं बाजार के अंदर। आप देख सकते हैं सीधे सामने है अंदर बाजार के अंदर का रास्ता। तो अभी हम लोग सिन्नी ले चुके हैं, तो गाइस चलते हैं अंदर और अंदर की जियारत करते हैं। ये आप देख सकते हैं हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये पूरी मज़ार हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मेन मज़ार बाबा की यही है, आप देख सकते हैं। एक दो तीन मज़ार, ये पूरा ऊपर का आप वीडियो देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही माशाल्लाह। ये काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ ज़ियारत करते हैं। ये बाबा चादर चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी सुबह हो रहा है ना, अभी जब शाम होगी पूरी मज़ार भर जाएगी ज़ियारत में। आइए चलते हैं, फातिहा करते हैं।
ये हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 248वां चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ सब फातिहा पढ़ रहे हैं। ये बाहर भी एक मज़ार है, आप देख सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ये मस्जिद बनी हुई, अभी जल्दी ही बनी हुई है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत ही शानदार मस्जिद है। ये आप देख सकते हैं ये अभी जल्दी मस्जिद बनी है, पहले बहुत छोटी मस्जिद थी, अब बहुत बड़े में मस्जिद बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मजार में ये अभी काम चल ही रहा है मस्जिद का, देख सकते हैं। ये तलवा पार की मस्जिद है अंदर की, मजार के अंदर की। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मस्जिद जो है तलवा पार की है, ये तिलावत हो रही है मस्जिद में, तिलावत कुरान पढ़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बन चुकी है, ये काम इसमें हरदम चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है ये मस्जिद में। ये मज़ार ऐसी मज़ार है कि बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं और ज़ियारत करते हैं मज़ार के अंदर की। ये आप देख सकते हैं ये हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बदे खजरा है, गुम्बदे खजरा की ज़ियारत करेंगे गाइस, आप देखिए। ये वजू खाना माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बन चुका है, ये ऊपर सीढ़ी मस्जिद के ऊपर जाने वाला रास्ता है, ये सीढ़ी बनी हुई है और उसी के जस्ट नीचे आप वजू खाना देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बाहर जो है दुकानें सब लगी हुई हैं सिन्नी और फनियाज फातिया की, तबर्रुक की दुकानें आप देख सकते हैं। ये बाहर का नज़ारा है, ये हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बदे खजरा है। वीडियो का अंत करते हैं, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और, तब तक के लिए बाय।